उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है वो है वेलोसिटी और एसलेशन दोनों का है। अभी देखो यहाँ पे चेक कैसे करना है, अगर आपको प्रॉब्लम में लीनियर वेलोसिटी एंड एसेलरेशन के बारे में या फिर एंगुलर एसेलरेशन फाइंड आउट करने के बारे में अगर पूछा होगा तो समझ लेना कि प्रॉब्लम वेलोसिटी और एसेलरेशन दोनों का है, ठीक है। तो इसके पहले जो हमने जो प्रॉब्लम देखा था वो था फोर बार मैकेनिज्म का, और उसमें आपको सिर्फ वेलोसिटी डायग्राम कैलकुलेट करनी थी, लेकिन ये प्रॉब्लम है अभी सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, और ये प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें आपको वेलोसिटी डायग्राम और एसेलरेशन डायग्राम दोनों बनानी है और वैल्यूज फाइंड आउट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं। तो प्रॉब्लम अपना ऐसा है कि द क्रैंक ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, ये जो ओ बी है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंक बोलते हैं, ठीक है। वो कितनी है, 150 mm, ठीक है। रोटेट्स क्लॉक वाइज एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड 300 RPM। उसका रोटेशन कैसा है, क्लॉक वाइज है, रोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जिस डायरेक्शन का रोटेशन दिया होगा उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी और एक्सलेशन डायग्राम ड्रॉ होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी डायग्राम आपकी यहाँ से इस तरह पे और एक्सलेशन डायग्राम यहाँ से इस तरह पे, क्यों, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन इसलिए, ठीक है। सो उसके बाद आपको क्या दिया, ओ बी का RPM दिया, RPM कितना दिया आपको, 300 RPM, ठीक है। उसके बाद द क्रैंक इज 150 mm एंड द कनेक्टिंग रॉड इज 600 mm, जो आपका ए बी क्या है, आपका कनेक्टिंग रॉड है, उसका डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 600 mm, और स्लाइडर कनेक्ट किया है ए पॉइंट पे, ठीक है। अभी देखो वो हो गया आपकी स्पेस डायग्राम। आई डी सी मतलब इनर डेड सेंटर का एंगल दिया आपको 45 डिग्री, क्योंकि एंगल भी बहुत ज़रूरी रहता है। अभी इससे आप वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि आप देखो एन बी ओ मतलब 300 RPM दिया है, आप उसे एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल फार्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π n/60, ठीक है। सो पहला जो आपका लिंक ओ बी है इसकी आपको वेलोसिटी का डिस्टेंस आपको मिल गया, वो कितना आएगा आपका 4.713 m/s। आपको क्या करना है, जो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी जो आता है, जैसे कि यहाँ पे आएगा आपका इसका आया था 31.42, उसको आपको उसके डिस्टेंस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डिस्टेंस किस में लेना है आपको, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो उसका कितना है आंसर अभी, 4.713 m/s। आपको अभी क्या करना है, ओ बी एक्स को आपको एक परपेंडिकुलर लिंक ड्रॉ करनी पड़ेगी, और परपेंडिकुलर से सीधा स्केल से पैरेलल लेके यहाँ से यहाँ तक आपको वेलोसिटी इतना डिस्टेंस लेके आपको वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद आएगा लिंक ए बी का और स्लाइडर होए, तो आपकी वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी। अभी फिलहाल हम बात करते हैं एसेलरेशन डायग्राम की तरह, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है एसेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। ज़्यादा से बच्चों को ये नहीं आता, ठीक है। सो ध्यान दो, अभी क्या करना है, अभी आपको आपका जो स्पेस डायग्राम है उसमें आपका फिक्स पॉइंट कौन सा है, तो आपका ओ जो है वो फिक्स पॉइंट है, क्योंकि आपका जो ए पॉइंट है वो स्लाइडर वो क्या करने वाला है, वो ऐसे ऐसे यहाँ से मूव करने वाला है, ठीक है। जो आपका जो फिक्स पॉइंट है वो है ओ, तो हमने यहाँ पे पहले आपका जो ओ पॉइंट है उसको क्या कर दिया है, मार्क कर लिया, ठीक है। अभी सबसे पहले हम जाएंगे ओ से बी की तरफ, ठीक है। सो ओ बी मतलब आपको आना पड़ेगा ओ से बी की तरफ, ठीक है। तो अभी इसका डिस्टेंस कैसे लेंगे हम, तो सिंपल मैं बताता हूँ। अभी देखो आपका जो ओ बी है उसकी वेलोसिटी कितनी आई थी आपकी, 4.713, ठीक है। तो एसेलरेशन डायग्राम में जो पहला जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है रेडियल कंपोनेंट, और रेडियल हमेशा लिंक ओ बी को क्या रहता है, पैरेलल रहता है। पहला कंपोनेंट जो रहता है ओ बी का वो रहता है रेडियल, और वो लिंक ओ बी को क्या रहता है, पैरेलल रहता है, और उसका फार्मूला रहता है इसका वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन इसका डिस्टेंस। मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा अभी, 4.713 होल स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस 150 mm, मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, मतलब 0.15 cm, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस आएगा उसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ओ डैश से बी डैश तक एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये लाइन रहेगी ओ बी को पैरेलल, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अभी यहाँ तक आने के बाद अभी जो आपकी सेकंड लिंक है, सेकंड लिंक कौन सी है, ए बी, ठीक है। सेकंड लिंक आपकी ए बी है, तो ए बी से अभी आपके दो कंपोनेंट शुरू हो जाएंगे, एक रेडियल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। सो मैंने जैसे आपको बताया कि रेडियल हमेशा लिंक को क्या रहता है, पैरेलल रहता है, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या रहता है, रेडियल को फिर परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। सो अभी जो आपकी लिंक ए बी है उसका रेडियल पहले क्या रहेगा, यहाँ से मतलब यहाँ से आप डिस्टेंस लेके यहाँ से क्या रहेगा, वो पैरेलल रहेगा, ठीक है। यहाँ का डिस्टेंस पे आप कैसे लेंगे, ए बी तो आपको फिर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी वेलोसिटी ए बी,
फिर उसका स्क्वायर और डिवाइड बाय उसका डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेडियल कंपोनेंट। फिर उसको आपको करना है परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल, वो आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि फिलहाल आपके तरफ ये टेंजेंशियल की वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अभी रहा स्लाइडर का, तो स्लाइडर कैसे मूव करेगा, यहाँ से सीधा मूव करेगा। फिर यहाँ से आपको एक डिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी एसेलेशन डायग्राम, इसको पॉइंट मार्क कर दो, ओ डैश, बी डैश, ए डैश, ये रेडियल कंपोनेंट ए बी का, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट के लिए आपको डिस्टेंस मेजर करने पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, टेंजेंशियल कंपोनेंट ए बी, टेंजेंशियल कंपोनेंट ए जो दिख रहा है आपको, आपको ये क्या करना पड़ेगा, स्केल में मेजर करना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम में देखो, प्रॉब्लम में क्या पूछा है, एंगुलर एसेलरेशन आपको पूछा है कनेक्टिंग रॉड का, कनेक्टिंग रॉड मतलब ए बी। सो एंगुलर एसेलरेशन का क्या फार्मूला रहता है, अल्फा ए बी इज इक्वल टू टेंजेंशियल ए बी डिवाइड बाई डिस्टेंस ए बी। तो सो टेंजेंशियल आपको मिलेगा यहाँ से, और जो डिस्टेंस है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, उसको आपको एंगुलर एसेलरेशन की वैल्यू मिलेगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। और जो सिंगल स्टाइडन का प्रॉब्लम है और फोर बार मैकेनिज्म का जो प्रॉब्लम रहेगा, उस दोनों की मेथड कैसे रहेगी, सेम रहेगी।